दिल्ली में फिर से एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। क्या सच में हमारे देश के नेता उसके लिए दुखी हैं, दिल से दुखी होते हैं? क्या तथाकथित ईमानदार पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, क्या वो वाकई में दुखी होते हैं? क्या मेनस्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए पत्रकार वाकई में उन्हें अंदर से दुख होता है? और तो छोड़ो, जो महिलाएं इन क्षेत्रों में, क्या उनको वाकई में दुख होता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये सवाल बहुत बड़े खड़े करते हैं, लेकिन इस देश की जनता अगर जागरूक हो तो हो सकता है बहुत कुछ, नहीं हो तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा और महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद से करनी पड़ेगी। नमस्कार, हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जो मैं हूँ नंदनी। फिर से एक बेटी के साथ दरिंदगी, जहाँ हमारे देश की बेटियों ने टोक्यो में परचम लहराया, वहीं यहाँ पे एक देश की बेटी के साथ फिर से दरिंदगी हुई और उसकी आत्मा को खून से लथपथ कर दिया। और इस देश के नेता क्या कहे इस देश के नेताओं के बारे में? हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तुम कुछ नहीं करोगे और तुमसे ज़्यादा नपुंसक इस देश की जनता हो गई है, जो तुम जैसे घटिया नेताओं को बोर देती है, अपना मत देती। क्या करते हो आप? कोई कुछ नहीं करते, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक जरिया बना देते हो तुम बेटियों की इज्जत के रास्ते, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारे घर में भी बहू बेटियाँ हैं? नहीं, तुम्हें ये लगता है कि हमें बस, तुम इस तार पे रहते हो तो कहाँ कहीं पे किस बेटी के साथ दरिंदगी हो, किस महिला के साथ दरिंदगी हो, जिस महिला की आत्मा तार तार हो रही हो, उसके बाद हम जाएं अपनी सहानुभूति दिखाएं। इसमें सबसे पहले नाम तो राहुल गांधी का ही आता है। इतने साल राज करने के बाद कहाँ महिलाओं की सुरक्षा थी? आज जो हर जगह हर हर लड़की के साथ जब दरिंदगी होती है तो ये वहां पे नुबाइश करने पहुंच जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो इसके सपने प्रधानमंत्री बनने के, उसको साकार करने के लिए, और इससे ज्यादा राहुल गांधी कुछ नहीं करता। पत्रकार ये इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी ये सरकार के ऊपर भड़ास निकालते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं होता कि किसी लड़की के किस महिला के साथ क्या हो गया है। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ निकालना है। सत्ता में बैठी हुई जिस सरकार से उन्हें चिढ़े, यहाँ पे भी वो अपनी भड़ास निकालते हैं सरकार के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। क्या कहे ऐसे पत्रकार ऐसे नेताओं को? सबसे बड़ी बात, इन क्षेत्रों में बैठी हुई महिलाएं जब कुछ नहीं करती और ऐसी जगह पर महिला आयोग क्या काम करता है, मुझे तो ये समझ में आज तक नहीं आया इस महिला आयोग को रखा क्या करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को हम कुछ बदलाव के लिए लाए थे, महिलाओं की हालत जस की तस ऐसी है और वो भी यही काम करती है। उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ जो भी दरिंदगी हो, जो भी उसके साथ हुआ हो, उसके बाद ये लोग उसकी इज्जत की नुमाइश लगाते हैं चौराहों से लेके अदालतों तक। ये कितना शर्मनाक है! तुम उस महिला को सम्मान दे रहे, फिर कहते हो हम उसको न्याय दिलाएंगे? ये न्याय होता है? तुम उसका उसकी नुमाइश, उसकी इज्जत की नुमाइश, उसके मरने के बाद उसकी इज्जत रुक जाने के बाद, उसके आत्मा के तागा होने के बाद उसकी इज्जत की तुम और नुमाइश लगाते हो ताकि उससे तुम्हारी राजनीतिक रोटियां सेके, तुम्हारा राजनीतिक फायदा हो, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो। लेकिन मैं तो ये बात कहना चाहूंगी, उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए जो इन पत्रकारिता जगत में महिलाएं बैठी हुई हैं, जिनके हाथ पे अच्छी खासी पावर है, अच्छी खासी ताकत है, वो अपनी आवाज को बुलंद करें। और उन नेता महिलाओं को जो जिनको वोट देके महिलाएं नेता बनाती हैं, जो खुद भी महिलाएं होती हैं, जिनके खुद भी घर में बेटियां होती हैं, जो एक महिला के दर्द को समझ सकती हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से ये हाल है राहुल गांधी, राहुल गांधी तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, राहुल गांधी को दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो राहुल गांधी को नेता में कभी गिनती भी नहीं हूँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो वही जगह पहुंचता है जहाँ एक दरी एक लड़की के साथ, लड़की तो लड़की है, चाहे वो छोटे तबके की हो, बड़ी तबके की हो, दिशा सल्यान के लिए इसने आवाज क्यों नहीं उठाई? और अब बात करते हैं दिल्ली के मालिक साहब अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी का बहुत अच्छा सा एक जगह मैंने पढ़ा था, स्मार्ट राजनीति की,
बहुत स्मार्ट राजनीतिक है, तभी तो अन्ना जी के कंधे में बंदूक रखी आ गए राजनीति करने, मुख्यमंत्री उनके बलबूते बने, उनको ही भूल गए। इससे ज्यादा स्मार्ट राजनीति क्या हो सकती है। और जब कोई बात आ गई, दिल्ली में एक लड़की से रहते, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा था, दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बहुत अच्छे, ओवर स्मार्ट है वो, ओवर स्मार्ट है। मेरे हाथ में तो हम उनका तो सीधा कहना, मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, तुम क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री झक मारने के लिए हो। तुम्हारे राज्य में हर बार पिछले साल भी इसी समय के आसपास की बात है, एक लड़की के साथ वहां पे दरिंदगी हुई, कई दफे हो चुका, और अभी आप फिर से हो गया। और आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हो, आप कहते हो मेरे हाथ पे कुछ नहीं है, पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था। ये कितना घटिया और शर्मनाक बयान है, और किस तरह से हमारे देश की जनता है। कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो खुद की सुरक्षा करना, खुद सुरक्षित रहो। और महिला, किसी भी महिला के साथ आदमी दरिंदगी होती है तो महिला ही आवाज उठाएगी। एक आम महिला आवाज उठाए, एकजुट हो, और कोई साथ नहीं देगा, ना कोई पत्रकार महिला, ना कोई नेत्री महिला। और अभिनेत्रियों के तो हर, उनको तो गिनना ही नहीं है, वो तो उन्होंने तो गंदगी गंद मचा रखा है सबका सब। और महिला आयोग ये भी कुछ नहीं करते, इसलिए महिलाओं को खुद से उठना पड़ेगा। और उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है, हम सिर्फ हर बार यही कहते हैं कि हम अफसोस जता सकते हैं, क्योंकि नेता तो नपुंसक हो गए ना, अपाहिज हो गए, वो अफसोस जताने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, और हमारे हाथ में पावर है नहीं, हम इसलिए बेबस है। इसलिए बेबस मत हो। मैं तो सब एक ही बात कहना चाहूंगी, सब महिलाएं कम से कम अपनी सुरक्षा आप खुद करें, तभी महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। नेता नपुंसक तो है ही, नेता अपाहिज भी हो गए, और यहाँ बैठी हुई महिलाओं ने, महिला होने पर ही उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते, जबकि उनके पास अच्छी खासी ताकत होती है, पत्रकारिता का लाइसेंस उनके पास होता है, वो नेता होती है तो उनके पास जनमत का की ताकत उनके हाथों में होते हैं कम से कम। और कुछ नहीं, महिला की सुरक्षा अब तो पहले करो, कोई कुछ नहीं करता। इसलिए मैं यही कहूंगी कि सारे नपुंसक हो गए, बच्चे कुत्ते अपाहिज हो गए, इस देश की महिलाओं को, इस देश की जनता को नपुंसक नहीं होना है। हमें आवाज उठानी है खुद के हक के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, और यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है क्या कह सकते हैं, बस भगवान किसी और बेटी के साथ ये ना करे, इस देश की जनता को सद्बुद्धि दे, महिलाओं को सद्बुद्धि दे, एक अच्छी सोच की तरफ लोग बढ़े। कि जो लोग ये बोलते हैं, यार ये हमारे साथ थोड़ा हुआ, हम क्यों आवाज उठाएंगे, हम क्यों साथ में आएंगे, हमारे साथ जब जब तुम्हारे साथ होगा तभी तुम आवाज उठाओगे क्या, क्योंकि ताकत तो तुमने न सब नपुंसकों को और अपाहिजों को दे रखी है, और तुम भी अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठते कि ये मेरे साथ थोड़ा हुआ है। तो फिर चलने दो, ऐसे चलता रहेगा, परिस्थितियों को स्वीकारते चलो, बस एक ना एक दिन महिला की दुर्दशा इससे भी ज्यादा होगी, अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई तो।